नल जल है पानी देवे नहीं कर रहा है क्या कर रहे है पानी बिना मर रहे हैं अब जा रहे हैं हम लोग मजदूरी करते हैं है पानी लेने वहाँ से लेके आते हैं क्या कर रहे हैं गाली भी देता है सब पानी लेने जाते हैं कमीनी के व्यवस्था ब खाए के व्यवस्था ना न पानी के न कुछ के आदमी मरत हर चीज बिना पहाड़ हम लोग बल्टी बाल्टी लेकर जाते हैं तो गाली सुनते हैं नमस्कार मैं लो और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन सासाराम में अभी पानी की समस्या पेयजल की समस्या के चलते सासाराम की जनता त्राहिमाम कर रही है मैं आपको बता दूं कि कल ही सासाराम नगर निगम का वार्ड परसदों ने घेराव किया था और नगर आयुक्त का पुतला भी दहन किया था इतनी गर्मी में भीषण गर्मी में छियालीस डिग्री के तापमान में अड़तालीस डिग्री के तापमान में सासाराम में पेयजल की समस्या देखा जा रहा है और सासाराम की जनता लगातार पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रही है क्या कहिएगा किस तरीके से पेयजल की समस्या है पूरी समस्या है यहाँ बहुत काफी पानी नहीं मिल रहा है गर्मी में कैसे रह रहे हैं आप लोग? गर्मी में तो पेड़ तर रह रहे हैं है क्या कहिएगा किस तरीके से इस गर्मी में पेयजल की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है मान के चलिए हर जगह टैंकर का सुविधा नहीं है टंकी है जो दूर पे है पानी धीमी गति से आता है पानी का असिलेबुल नहीं है यहाँ मान के चलिए कि हर घर पे देख रहे हैं कि यहाँ सरकारी रेलवे जमीन है ना यहाँ कोई साधन है न संसाधन है सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है गर्मी में गर्मी में जिस तरीके से पानी का व्यवस्था का समस्या कहा जा रहा है पानी का किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आप लोग हम ता? लोग तालाब पर से पानी ढोते हैं पानी कोई किसी के द्वार पर जाते हैं तो चप्पल से मरते हैं तो कर का व्यवस्था किया गया है नहीं है नहीं हम लोग जहाँ तहा से पानी ढो के पीते हैं अपना क्या कहिएगा किस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर है? नल जल है पानी देवे नहीं कर रहा है क्या कर रहे हैं पानी बिना मर रहे हैं। किस तरीके से पानी की समस्या है कहाँ से पानी आप लोग ला रहे हैं कहा से तालाब पर से ला रहे हैं हम लोग पानी हाँ क्या कर रहे हैं अब गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं क्या करे गुजारा कर रहे हैं अब जा रहे हैं हम लोग मजदूरी करते हैं और पानी लेने वहाँ से लेके आते हैं कर रहे हैं गाली भी देता है सब पानी लेने जाते हैं तो बोलते हैं पानी क्या कहिएगा कहाँ से आप लोग पानी ला रहे हैं इतनी समस्या आते हैं पानी नहीं है पानी मिलता है हम लोग पानी बिना चल रहे हैं पानी नहीं मिलता हम लोग को पानी की व्यवस्था करिए हाँ क्या कहिएगा पानी की समस्या किस तरीके से है यहाँ पानी भी ना हम ढोते ढोते बीमार पड़ जाते है पानी दूरी दूरी से कब तो तो से समस्या है जब से गर्मी पड़ा है तब तो से समस्या है बहुत पानी की दिक्कत है यहाँ पर पियासे हम लोग पानी ढोते ढोते बीमार पड़ जा रहे हैं हम लोग कैसे बाल बच्चा परिवार इस पानी की समस्या में इस गर्मी में रह रहे हैं कहा करे जेने तेने दिन भर पहाड़ में रहते हैं पेड़ पौधा तर रहते है पियासे भूखे क्या करे पास जाते हैं वो बोलता है कि नहीं देंगे हम पानी अच्छा, तका करें पानी भरने जाते हैं जाओ जिसके घर पर तो लोग क्या कहते हैं कहते कि हम लोग नहीं देंगे पानी जाओ लड़ो हाँ। लड़ो जाओ पानी मांगो हम लोग कहाँ गरीब आदमी जाओ और ये पानी भरते भरते हम लोग के मजदूरी छूट जाता है मजदूरी नहीं कर पाते हैं उंकर का बेवस्था हुआ नहीं, है, नहीं, हुआ। आता है नहीं आता है टैंकर नहीं आता है नहीं आता है क्या कहिएगा किस तरीके से पानी का समस्या है? अब की जिना कमीनी के व्यवस्था बना खाए के व्यवस्था न ना, ना पानी के न कुछ के आदमी मरत हर चीज बिना पहाड़ बंद करके और से इतना पानी का समस्या है। अरे छः महीना ले पानी के नहीं के व्यवस्था खैला बिना आदमी पहाड़ बंद मरत सब कुछ भी ना मरते बन आदमी इतना गर्मी में कैसे रह रहे हैं आप लोग ना रोड के व्यवस्था ना कल के ना नल के आ ना कुछ के जी व्यवस्था बिना आदमी यही तरह मर क्या कहिएगा चाची आगे आइए किस तरीके के पानी का समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं अरे बहुत समस्या है हैं। हम लोग बल्टी बाल्टी लेकर जाते हैं, तो गाली सुनते हैं। पानी आती है पानी लेने के लिए हम लोग का पानी है ना बहुत पानी भी न मर रहे हैं। टंकर उंकर आता है टंकर आता है दो दिन बीच करके कभी आता है कभी आता नहीं है हाँ इतना गर्मी में कैसे है आप लोग पानी बहुत पानी का दुख है हम लोग बहुत जूझ रहे हैं दुख से hmm. हाँ, बहुत यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है कुछ का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है का नहीं नहीं है। कुछ का व्यवस्था यहाँ नहीं आ, है पानी तो का समस्या है जी सबो दिन का पानी का समस्या यहाँ नहीं है hmm. सब दिन का सब तो दिन का पानी का क्या कहिएगा चाची किस तरीके ऐसी पानी का समस्या है यहाँ पर अरे बहुत दिक्कत है बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना उसमें नहाने धोने का जब टाइम ऐसी पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ पाएगा पानी टैंकर उनका आता है यहां नहीं आते थे लेकिन अब नहीं आते दो नहीं। दिन आते हैं फिर दो दिन नहीं आते है, नहीं नहीं आते है। नहीं। हाँ। इतना गर्मी में कैसे पूरा परिवार रहते हैं बहुत दिक्कत कर रहे हैं सर हम लोग पानी की समस्या है तीस तारीख तक मैंने पानी आ रहा है टैंकर आ रहा है न हाँ। कहा पानी ले जवा ती मनी हो जाए तो हमने मिले ला दूरी का दिन बता पानी मिलता जी एगो टंकर आता कितना पानी मिली नल में जल आता है ना कल सूख गया है कि कल चल रहे हैं कहाने है तो दूरी दूरी से, जा जा कर कर घर से। आ, तो लोग क्या कहते हैं जाते हैं तो? क्या कह लीजिए बोले लीजिए की अपन पानी के साधन करो लोग कितना दिन दिलेगा पानी आ, क्या कहिएगा चाची किस तरीके से पानी का समस्या यहाँ पर है कि नहीं ना नहीं खे अच्छा कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं लाओ तो है जा दूर दूर से आ कोई के घर में जाते हैं तो कोई बोला तो गाइड देता कि हमरा कल्पना जा तो टूट जाई फूट जाई हाँ तो अब जाते है जा गड़ा ही उड़ही नहा के आते जा आ पानी पी खाई दूसरा कहीं जाते जा तो कोई पानी देता भगा देता हाँ टैंकर आता है ना हम नहीं खे आवत नहीं आता ना साफ दौर पे कहा जा रहा है कि टैंकर भी नहीं आता है देखिए आप पल को कृपया चला कर दिखाएं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करना चाह रहे हैं मैं नगर आयुक्त से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था किया जाए कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि उधर की तस्वीर को कृपया दिखाएं किस तरीके से सासाराम की जनता त्राहिमाम कर रही है इस भीषण गर्मी में पानी के लिए कल भी सूख चुका है एक बार फिर इस कल की तस्वीर को दिखाएं कृपया करके भैया कल को चलाइए किस तरीके से कल को चलाया जा रहा है लेकिन इसमें जल नहीं है कृपया पानी की समस्या से पूरा सासाराम जूझ रहा है नगर आयुक्त को मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से टैंकर की व्यवस्था कराए क्या कहिएगा चाची पानी का व्यवस्था है यहाँ पर पानी मिल रहा है न पानी की कहाँ व्यवस्था आदमी पीला बगैर अगर मर तोने तेने जाता आदमी पल लिया वो तो मनी मिल पिलता तो पिया तहन वो धिक जाता पानी अदहन लेखा तो का आदमी पीहन वो तो बीमारी है न ना घर बा आ धिकल पानी पीला पा आ, आ दूसरे के दरवाजा पर पा पानी जाना दूसरे के दरवाजा पर वो चिरौरी करे के पड़ता के हमके एक बाल्टी लेवे ना आए तो एक बाल्टी पानी जरा चार गो परिवार बकर में का आटी कितना दिन चलेगा कितना दिन चलेगा आ का नहाई की पीही की लइका बचाओ में न न बासन त हग मुद दिसन की धोई की का करी बताइए हैं कोई तो सबसे समस्या है पानी का ई देखे शुरू से चल रहा है जैसे नाली गड़ा हुआ है हाँ हर साल के ये नियम बा हर साल माने ये होन की ठंडी के दिन में तन का थोड़ा मोड़ा नल के पानी ना तो ऐसे रह ला जा कैसे रहते हैं इतना गर्मी में पानी के बगैर हम लोग का बाल बच्चा सब ऐसे ही हम लोग भी नहाने घर द्वार धोना पड़ता है बड़े से से ढंग ना लिपा रहे ना पता रहा है कपार भी मिसने में सोचने पड़ता है की माथा भी कैसे धोले हम लोग पानी पीने का तो मिलते नहीं रहता नहाएंगे कहाँ से टैंकर उंकर आता है नहीं आता है कभी कल आया था आया था नहीं आता है तो हम लोग क्या करे हम लोग जैसे करके गुजारा करते हैं। दौर दौर पे है साफ तौर पे कहना है कहिएगा चाची पानी का समस्या है आ, समस्या है जी आ, पानी की समस्या आ, है हम लोग लू लो लंग कहाँ जाए पानी लेने न कल है न कुछ है मसमातो है हमारा लड़का भी विकलम है हैं तो हम गर्मी में कैसे रहते हैं पानी बगैर पानी बिना कहाँ छटपटा जाते हैं जिसको घर जाते हैं लेने तो लात मार देते हैं कहीं हटो हटो बल्टी हटा के बिक देते हैं तब कहाँ जाए साफ दौर पे कहना है कि नल जल में भी पानी नहीं आता नल जल में पानी आता है। नहीं आता है नल जल में पानी ढंग से नहीं आता है कोई कोई कहता है कोई कोई पटार कर लेता है एक दो मिनट से मिलता है नहीं तो नहीं मिलता है नल जल में कोई के पास नल है भी गया कोई के पास नल भी नहीं है हम लोग का नल भी नहीं बैठा हुआ है हम लोग का घर पर नहीं हम लोग दूरी दूरी से पानी लेकर दूसरा दूसरा घर से जाते हैं तो खाना बनाते हैं खाते हैं इतना दूर से पानी ला रहे हैं कम से कम तालाब इतना दूर चल जाते हैं हम लोग पानी लाने हाँ गर्मी में दिक्कत होता है बहुत दिक्कत है हम लोग को देखिये गमरे दूसरे से घमरे से सबसे हम लोग परेशान है पानी पिया नहीं हुआ हो रहा है गर्म हो जा रहा है पानी हम लोग का एक दो बाल्टी मिलता है तो कहाँ ढरे हम लोग कौन का गरी में, कौन में इनका साफ दौर पे कहना है कि पानी में बहुत दिक्कत होता है पानी के साथ कहाँ नल है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि नल जल योजना के तहत यहाँ पर नल लगाया हुआ है और आपके सामने मैं गुजारिश करूंगा कि खुला, खुला खोल दिया जाए इसको देखिए मैं खोल रहा हूँ फिर भी इस नल जल में नल में जल नहीं है और सासाराम की जनता इस भीषण गर्मी में त्राहिमाम कर रही है नगर आयुक्त से मैं फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया करके इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या को लेकर सासाराम की जनता पर ध्यान दिया जाए